हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल। और गरीब हो तो क्या हुआ, मेहनत होगा 100%। और जी हाँ, मेहनत बिल्कुल 100% होगा। और दावा ठोक के साथ कहता हूँ आपको, मैं ऐसे समझाऊंगा ना, सारे कॉन्सेप्ट आपके क्लियर हो जाएंगे, वो भी एक्टिव पैसिव वॉइस का। अगर इसके फुल स्ट्रक्चर वीडियो चाहिए तो कमेंट सेक्शन में जरूर बताना। तो स्टार्ट करते हैं आज का सेशन। अगर चैनल पे नए हो और देख रहे हो तो चैनल को लाइक सब्सक्राइब और शेयर बिल्कुल कर देना। तो स्टार्ट करते हैं आज का सेशन। और आज का सेशन बहुत ही इंपॉर्टेंट सेशन है, और जितने भी क्वेश्चन लिए सारे प्रीवियस ईयर में पूछे गए, चाहे वो एसएससी का हो, रेलवे का हो, डिफेंस का हो, बैंकिंग का हो, सारे लिए इंपॉर्टेंट है। तो स्टार्ट करते हैं आज का सेशन। एक्टिव पैसिव वॉइस स्पेशल सीरीज है आज। तो देखते हैं क्या क्या इसमें सीखेंगे। तो सबसे पहले देख लीजिए इंपरेटिव सेंटेंस का कैसे ये बनेगा। इस सेंटेंस का स्विच ऑफ द लाइट बोल रहा है, स्विच ऑफ द लाइट, ये एक्टिव सेंटेंस है। इसको कन्वर्ट करना है पैसिव सेंटेंस में। तो इसको कन्वर्ट कैसे करेंगे, लेट द लाइट बी स्विच्ड ऑफ, लेट द लाइट बी स्विच्ड ऑफ, स्विच ऑफ द लाइट एक्टिव को कन्वर्ट करने के लिए लेट द लाइट बी स्विच्ड ऑफ पैसिव में कन्वर्ट कर देंगे। अब यहाँ पर देखिए इसका स्ट्रक्चर आप जान लीजिए, स्ट्रक्चर इंपॉर्टेंट है, ये स्ट्रक्चर याद रखना, आपको सारे क्वेश्चन यूं ही सॉल्व हो जाएंगे। लेट प्लस ऑब्जेक्ट प्लस बी प्लस वर्ब थ्री, लेट प्लस ऑब्जेक्ट प्लस बी प्लस वर्ब थ्री। देखिए जब भी आपको दे रखा हो स्विच ऑफ द लाइट, ओपन द डोर, ये सारे सेंटेंस जो होते हैं वो इंपरेटिव सेंटेंस होते हैं। तो उसको सॉल्व करने के लिए सबसे पहले लेट लगाएंगे, लेट लगाने के बाद आपका ऑब्जेक्ट जो होगा उसको ऑब्जेक्ट को लगाएंगे, उसके बाद बी लगाएंगे। याद रखना बी लगाना इंपॉर्टेंट है, बी लगाएंगे उसके बाद वर्ब का थर्ड फॉर्म, जैसे स्विच ऑफ द लाइट, लेट ऑब्जेक्ट द लाइट, उसके बाद बी लगा दिया और वर्ड थ्री स्विच का स्विच हो गया और ऑफ हो गया। आसानी से आप समझ गए होंगे, इसमें बिल्कुल भी आपको कंफ्यूजन नहीं होगा। कंफ्यूजन नहीं होगा तो क्वेश्चन नंबर वन जो है जल्दी से सॉल्व करके बताओ। एग्जांपल लिया है मैंने, ये भी प्रीवियस ईयर में आया हुआ क्वेश्चन है। तो देखिए आप कैसे सॉल्व करते हो। तो देखिए इसमें करना क्या है, अब इसमें भी इंपरेटिव सेंटेंस है, कुछ नहीं करना है, ध्यान दो यहाँ पे। लेट द डोर बी ओपन, लेट द डोर बी ओपन, आसानी से हो गया ना सॉल्व। वही किया मैंने, सबसे पहले लेट लिया, उसके बाद ऑब्जेक्ट द डोर था, द डोर ले लिया, उसके बाद बी ओपन, आराम से सॉल्व हो गया। अब क्वेश्चन नंबर सेकेंड की बात करते हैं। याद रखना ये क्वेश्चन, जो बच्चा सॉल्व कर पाएगा उसको मैं समझ जाऊंगी कि उस बच्चे का बेसिक और कॉन्सेप्ट क्लियर है। सेकेंड क्वेश्चन है, आई डिडंट ट्रस्ट एनी वन, मैं किसी पे भरोसा नहीं कर सकता था। आई डिडंट ट्रस्ट एनी वन, इसका एक्टिव से पैसिव वॉइस में कन्वर्ट करने के लिए कैसे चेंज करोगे। अगर नहीं आ रहा तो सिखाऊंगा बिल्कुल। जब भी आपको डिडंट दे दे और डिडंट दे दे नेगेटिव सेंटेंस दे दे, उसमें हमेशा यूज करेंगे यहाँ पे नोबडी। आप हमेशा यूज करो क्या करोगे, नोबडी। तो यहाँ पर लिख दोगे क्या, नोबडी डिड है, तो डिड को कन्वर्ट करने के लिए क्या हो जाएगा एक्टिव पैसिव वॉइस में, जब भी आपका डिड रहेगा मतलब वी टू है, तो वी टू कन्वर्ट करने के लिए किस में कन्वर्ट करते हैं, तो आपका वी टू कन्वर्ट किस सिंपल पास्ट किस में कन्वर्ट होता है, पास्ट परफेक्ट में कन्वर्ट होता है। पास्ट परफेक्ट किस में होता है, पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूअस में होता है। तो ये चीज आप ध्यान में रखना, थोड़े थोड़े पास्ट परफेक्ट टेंस होता है, पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस में। तो यहाँ पर देखिए, यहाँ पर वी टू फॉर्म है, तो वाज, नोबडी वाज ट्रस्टेड, Nobody was trusted by me. आसानी से हो गया ना सॉल्व। आपको याद रखना है, जब भी आपको सेंटेंस नेगेटिव दे रखा होगा तो उसमें याद रखेंगे नोबडी लगा के, नोबडी लगा के इरेज करता हूं, नोबडी लिखा गया। तो यहां पर देख लीजिए, जब भी नेगेटिव सेंटेंस रहा था आप यूज करोगे नोबडी, ये आप दिमाग में लगा लो। आई डिडंट ट्रस्ट एनी वन, मैं किसी दूसरे पर भरोसा नहीं कर सकता, तो उसके बाद नो बॉडी वॉज ट्रस्टेड बाई मी। तबियत खराब है दोस्तों, फिर भी मैं आपको सिखाने की कोशिश कर रहा हूँ। आप देख अच्छे से समझे और देखे कैसे बन रहा है। नो बॉडी वॉज ट्रस्टेड बाई मी, डिडंट डिड को कन्वर्ट कर सकते हैं वाज में, तो यहाँ पर देख लीजिए ट्रस्टेड बाई मी, इसका हमेशा याद रखना, ऐसे ही होता है। उसके बाद बात करते हैं क्वेश्चन नंबर थर्ड का, डिड ही रिमेम्बर द डेट एंड टाइम, और थोड़े मोड़े जो भी नॉइज होगा उस नॉइज पे बिल्कुल आप
ध्यान नहीं देंगे, आप स्टडी पे ध्यान देंगे। डिड ही रिमेम्बर द डेट एंड टाइम, डिड ही रिमेम्बर द डेट एंड टाइम। जब भी आपको याद रखो एक चीज, स्ट्रक्चर मैं बताऊंगा आपको, मैं ऊपर से मिटा रहा हूँ थोड़ा, वो देख लेना स्ट्रक्चर, मैं इसको बताऊंगा, ये मैं इरेज कर रहा हूँ। तो देखिए ऊपर आपको ये क्वेश्चन, देखिए जब भी आपको सब्जेक्ट प्लस वी टू, सब्जेक्ट प्लस डिड रहा, सब्जेक्ट प्लस डिड प्लस वर्ब रहा और ऑब्जेक्ट रहा, तो इस डिड को करेंगे कन्वर्ट वाज या वर में, याद रखना ये चीज, आपको ध्यान रखना ये चीज, तो आप नोट डाउन से कर लेना। उसके बाद देखिए क्वेश्चन नंबर थर्ड, डिड ही रिमेम्बर द डेट एंड टाइम, डिड ही रिमेम्बर द डेट एंड टाइम, वाज द डेट एंड टाइम बी रिमेम्बर्ड बाई ही, वर द डेट एंड टाइम रिमेम्बर्ड बाई हिम, इज द डेट एंड टाइम रिमेम्बर्ड बाई हिम। तो आप हमेशा याद रख सकते हो, जब भी आपका पास्ट वर्ड होगा तो आप वर्ड भी पास्ट यूज करोगे कन्वर्जन में भी, ना कि आप प्रेजेंट यूज करोगे। तो यहाँ पर आपको दो को, दो जो ऑप्शन है वो क्लैश कर रहा है, वाज द डेट एंड टाइम रिमेम्बर्ड बाई ही, वर द डेट एंड टाइम रिमेम्बर्ड बाई हिम। तो आप खुद दिमाग लगा सकते हो कि जब भी कोई सब्जेक्ट ऑब्जेक्ट में कन्वर्ट होता है तो उसमें ऑब्जेक्टिव केस आता है, तो ऑब्जेक्टिव केस भी देखना है। तो यहाँ देखिए ही लगा है, ही को हिम में कन्वर्ट करेगा तभी वो ऑब्जेक्टिव केस में आएगा। तो यहाँ पर देखिए वर द डेट एंड टाइम बी रिमेम्बर्ड बाई हिम, तो ये आपका राइट आंसर हो जाएगा, बी नंबर राइट आंसर हो जाएगा। और इसका क्या स्ट्रक्चर था, स्ट्रक्चर इसका क्या था, वी टू प्लस सब्जेक्ट प्लस वर्ब वन और प्लस ऑब्जेक्ट, ये था। तो वी टू को कन्वर्ट करने के लिए, वी टू को कन्वर्ट करने के लिए क्या, यहाँ पर वी टू कन्वर्ट करने के लिए वाच वाच या वर लाएंगे, वाच प्लस वर लाएंगे प्लस ऑब्जेक्ट और बी लगाएंगे, बी। और बी मैंने क्यों लगाया है ये आपको समझ में आ रहा होगा, इस क्वेश्चन में बी क्यों लगाया वो मुझे कमेंट सेक्शन में आप जरूर बता देना। तो आपको ये समझ में आ गया होगा कि क्या वर्ब टू जब भी होगा उसमें वाज वे लगाएंगे, उसके बाद वर्ब थ्री, उसके बाद वर्ब थ्री प्लस ऑब्जेक्ट, तो ये लगा देंगे, आपका आसानी से हो जाएगा सॉल्व। अब बात करते हैं क्वेश्चन नंबर फोर की, और क्वेश्चन नंबर फोर बहुत ही आसान और कंसेप्चुअल क्वेश्चन है, तो देखिए उसको कैसे सॉल्व करते हैं, देखिए आइए। तो क्वेश्चन नंबर फोर, द बॉय वेयर डिगिंग ए होल इन द ग्राउंड, द बॉय वेयर डिगिंग ए होल ऑन द ग्राउंड। तो देखिए यहाँ पर वर्ड डिगिंग है, हमेशा याद रखना आपको, बस उसको फॉलो करना है, वर्ब को वर्ब किस प्रकार चेंज हो रहा है और कुछ फॉलो नहीं करना है। तो देखिए कैसे आसानी से समझते हैं, द बॉय वेयर डिगिंग इन ए होल इन द ग्राउंड, तो देखिए क्या हो जाएगा। तो आपको अभी जस्ट मैंने बताया, यहाँ पर बता दिया, अगर आपको वर्ड डिगिंग मतलब आपको वर्ड डिगिंग दे रखा है, मतलब आपको दे रखा है क्या, वर्ड का फाइव फॉर्म दे रखा है और वाज वर्ड दे रखा है, वाज वर्ड ध्यान से देखना। तो इसको कन्वर्ट किस में आता है, ध्यान रखना, ये कन्वर्ट हो जाता है कन्वर्ट हो जाता है जो भी वर्ड रहेगा वाज या वर प्लस बींग प्लस वर्ब थ्री, बींग प्लस वाज वेयर बींग प्लस बाई प्लस ऑब्जेक्ट, देख लीजिए वी थ्री प्लस बाई प्लस ऑब्जेक्ट, याद रखना दोस्तों यही होता है इसका कन्वर्जन, वाज वेयर प्लस बींग प्लस वर्ब थ्री प्लस बाई प्लस ऑब्जेक्ट। जब भी आपको वाज वेयर डिगिंग दे रखा है, डिगिंग डी आई डबल जी आई एन जी, डिगिंग स्पेलिंग सुधार लेंगे आप, डिगिंग डिगिंग दे रखा है, तो कन्वर्ट जब भी होगा इसका आपको समझना है कि वर्ड डिगिंग दे रखा है, वर्ड डिगिंग मतलब आपका पास्ट कंटिन्यूअस टेंस है, पास्ट कंटिन्यूअस टेंस को कन्वर्ट करने के लिए आपको वाज वेयर प्लस बींग लगाना होता है, याद रखना कंटिन्यूअस में जब भी हमेशा बींग लगाना होता है, उसके बाद वर्ब थ्री प्लस बाई प्लस ऑब्जेक्ट, याद रखना इसे नोट डाउन कर लो, इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट है, इंपॉर्टेंट है, इंपॉर्टेंट। तो अब इसको मैंने तो आपको बता दिया कॉन्सेप्ट, अब इस क्वेश्चन में आंसर क्या हुआ वो मुझे आप जल्दी से कमेंट सेक्शन में बताएं। तो द बॉय वेयर डिगिंग इन ए होल इन द ग्राउंड, ए बॉय वाज डग्ड बाय द बॉयज इन द ग्राउंड, ए होल वाज डग्ड बाय द बॉयज इन द ग्राउंड, ए होल वाज बीइंग डग
बाय द बॉयज इन द ग्राउंड, ए होल वर्ल्ड बीइंग डंप्ड बाय द बॉयज इन द ग्राउंड। इसमें दो ऑप्शन है बहुत ही घिंचा दे रखा है, जिसमें आपको थोड़ी सी टेंशन आती है, लेकिन आपको देखिए कुछ नहीं करना है, सिंपली आप वर्ब लेके चलोगे, सब्जेक्ट पहचानोगे, आसानी से सॉल्व कर सकते हो। ए होल, कोई एक वो होल कर रहा है तो उसमें प्लुरल वर्ब लगेगा ही नहीं, बाकी सब तो स्ट्रक्चर बता ही रखा है, वाज बीइंग वर्ब थ्री डग बाय अस, तो बस हो गया आंसर, वाज लगेगा, वाज इसलिए कि एक ही होल कर रहा है, ज्यादा होता था वर्ब वाला सही होता, आसानी से हो गया सॉल्व। उसके बाद बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 5 की, तो क्वेश्चन नंबर 5 देखिए, ये भी क्वेश्चन में बच्चे बहुत गलतियां करते हैं और आपको इसमें बिल्कुल गलती नहीं करनी है, देखिए कैसे होगा सॉल्व। वी मस्ट नाउ डील विथ दीज प्रॉब्लम्स, मतलब बोल रहा है कि वी मस्ट नाउ डील विथ, मैं इस प्रॉब्लम को जो डील कर लूंगा, सॉल्व कर लूंगा, तो कैसे इसका ऑप्शन लगा, दीज प्रॉब्लम्स मस्ट नाउ बी डील विथ बाय अस, दीज प्रॉब्लम मस्ट नाउ बी डील्ड विथ बाय अस, दीज प्रॉब्लम्स डील्ड विथ बाय अस। तो अब इसमें देखिए यहाँ पर क्या हुआ, मस्ट दे रखा है, देखिए मस्ट दे रखा है, जब भी आपसे कोई मॉडल वर्ब रहे, यहाँ पर देखो कॉन्सेप्ट, इधर इसको मैं इरेज करता हूँ, जब भी आपको मॉडल वर्ब रहे, जैसे मस्ट रहा मॉडल वर्ब, ये मॉडल वर्ब है, मस्ट रहा, सेल रहा, शुड रहा, सेल शुड, ये सब रहा, जब भी याद रखना मॉडल वर्ब रहा जब भी, तो आपको एक चीज ध्यान में रखना है, जब भी आपका मॉडल वर्ब रहा, यहाँ पर आपका मॉडल वर्ब ज्यादा कंफ्यूज मत हो, मैं सिंपली अभी इसी को ले रहा हूँ मस्ट को, तो मस्ट का समझो, यहाँ पे मस्ट यहाँ पर क्या मॉडल वर्ब है, मॉडल वर्ब जब भी रहा ना, तो उसका यहाँ एक्टिव से टू पैसिव के लिए मस्ट के साथ मस्ट बी लगेगा, समझो, याद रखना मस्ट बी और प्लस वर्ब थ्री और प्लस ऑब्जेक्ट, याद रखना इसको आपको याद रखने की जरूरत है, मस्ट के साथ बी लगेगा, उसका वर्ब का थ्री फॉर्म, देखिए दीज प्रॉब्लम मस्ट बी लगा है, नहीं लगा है, बी लगा है बाद में, दीज प्रॉब्लम्स मस्ट नाउ बी डील बाय अस, गलती है, कैसे गलती है सर, इसमें तो बी लगा है, लेकिन मेरे भाई यहाँ पर आप देखो डील का भी वर्ब थ्री फॉर्म होता है, डील का वर्ब थ्री फॉर्म क्या होता है, डील्ट होता है, डील्ट होता है, याद रखना वर्ब का थ्री फॉर्म इसके क्या होता है, डील्ट होता है, तो दीज प्रॉब्लम मस्ट नाउ बी डील्ड बाय अस, बिल्कुल सही, ये भी गलत, तो आपको आसानी से समझ में आ गया होगा, मैं आपको समझाने की कोशिश कर रहा हूँ, वो आपको समझ में जरूर आ गया होगा। उसके बाद बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 6 की, समवन इज फ्लोइंग अस, अब इसका कॉन्सेप्ट क्या बताना, आपको तो पता ही है, मैंने पास्ट में बताया, अब आप प्रेजेंट में नहीं बता सकते हो, ये जो है सेंटेंस है वो प्रेजेंट कंटिन्यूअस का है, और आपको कैसे बताना है, आप जल्दी से बताओ मुझे, देखिए इसमें क्या करना है, समवन इज फ्लोइंग अस, कुछ लोग हमें फॉलो कर रहे हैं, फ्लोइंग अस कर रहे हैं, तो क्या इसमें करोगे, वी आर बीइंग फॉलोड बाय अस, वी आर बीइंग फॉलोड बाय समवन, वी आर फॉलोड बाय अस, या वी वेयर फ्लोइंग अस, अब इसमें राइट क्या होगा, जल्दी से कमेंट सेक्शन में बताओ मुझे राइट क्या होगा। अब देखिए इसका कॉन्सेप्ट बताता हूँ, उसके बाद ये क्वेश्चन आप खुद हवा में उड़ा दोगे, और जो बच्चे अभी पास्ट वाले पर ध्यान दे रखे होंगे पास्ट कंटिन्यूअस पे, वो तो अभी टिक मार के आगे निकल गए होंगे, अब जो बच्चे को नहीं समझ में आया वो यहाँ पर देखो क्या करना है, इसमें करना कुछ भी नहीं है, सिंपल है बहुत ज्यादा, देखिए यहाँ पर मैंने आपको जस्ट बताया कि अगर वाज प्लस वर्ब में आई एन जी रहेगा, वाज या वर रहेगा वर्ब में आई एन जी रहेगा प्लस ऑब्जेक्ट रहेगा, तो आपको लगाना है इसमें क्या, वाज या वर, वाज वर प्लस क्या लगाना आपको, बींग लगाना है, उसके बाद वर्ब थ्री प्लस ऑब्जेक्ट लगाना है, ये मैंने बताया पास्ट के लिए, ये किस चीज के लिए है, पास्ट के लिए, ये क्या है, पास्ट कंटिन्यूअस है, पास्ट कंटिन्यूअस के लिए इसमें कन्वर्ट होता है, वही अगर आपका सिंपल प्रेजेंट कंटिन्यूअस में है, देखिए
कंटिन्यूअस में है, तो देखिए प्रेजेंट कंटिन्यूअस के लिए आपका यहाँ पर इज एम आर दे दिया हो, उसके बाद आपका वर्ब में आई एन जी दे दिया हो, उसके बाद ऑब्जेक्ट दे रखा हो, आपको कन्वर्ट क्या किस में करना है, आपको कन्वर्ट किस में करना है इसको भी इज एम आर में करके उसके बाद आपको बींग लगाना है, बींग के बाद वर्ब थ्री लगाना है, प्लस ऑब्जेक्ट करना है। ये एक्टिव के लिए है, ये पैसिव है। तो आपको समझ में आ रहा है ना दोस्तों, सारे कॉन्सेप्ट धुआं की तरह उड़ाएंगे। तो यहां पर देखिए इज एम आर प्लस बींग प्लस वर्ब थ्री प्लस ऑब्जेक्ट, तो इसमें अब देख लीजिए यहाँ पर समवन इज फॉलोइंग अस, कुछ लोग हमें फॉलो कर रहे हैं, तो आपका देखिए वी आर बीइंग फॉलोड बाय समवन बिल्कुल सही है। सही इसलिए है क्योंकि यहाँ पर कभी कभी ऑप्शन में बाय समवन नहीं देता है, वी आर बीइंग फॉलोड तो वो भी सही है, अगर लिख दे वी आर बीइंग फॉलोड बाय समवन वो भी सही है, दोनों सही है, समवन को नेग्लेक्ट कर देता है कभी कभी, और वो भी सही है और ये भी सही है। वी आर बींग फॉलोड बाई अस, तो ये आपका हो जाएगा गलती। गलती किस वजह से होगा, क्योंकि फ्लोइंग को वहां पर फॉलोड नहीं किया, वर्ब के थर्ड फॉर्म नहीं लगाया, इसलिए वो गलत है। उसके बाद वी आर फॉलोइंग बाई अस, ये भी गलत हो जाएगा, और वी आर फॉलोइंग अस ये गलत हो जाएगा। पास्ट में कैसे हो सकता है, इसमें तो वर्ब का फॉर्म ही नहीं दे रखा है। तो आप समझ गए ना दोस्तों, और बता रहा हूँ मेरा थोड़ा सा तबीयत खराब, इसलिए आपको वॉइस में थोड़ी सी प्रॉब्लम दिख रही होगी, और थोड़े थोड़े जो भी नॉइज आ रहे होंगे उसको कृपया आप नेग्लेक्ट करके पढ़ाई पे स्टडी पे ध्यान दो। मैंने आपको पूरे दिल से जान से आपको समझाने की कोशिश की है, और आपको ये वीडियो जरूर पसंद आया होगा। अगर पसंद आया तो मेरे चैनल को लाइक सब्सक्राइब और शेयर ठोक के जाना, और दोस्तों इतना अच्छा कॉन्टेंट लाऊंगा कि आपको आपको सारा जितना भी प्रॉब्लम होगा वो सारे मैं सॉल्व करवा दूंगा। और एक और चीज बात, ये वीडियो को इतना शेयर करो कि जितने भी बच्चे जो गरीब है जिनको पढ़ने के लिए पैसे नहीं होते उनके लिए मैं फ्री क्लास लाऊंगा, और हमेशा अच्छे अच्छे कंटेंट लाऊंगा ताकि वो सारे चीज आसानी से समझ सके। तो मिलते हैं फिर नेक्स्ट वीडियो में, फिलहाल इतना ही। जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम।